तो चलिए अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखते हैं। तो हमारे पास सवाल है, एक थ्री व्हीलर में एक ड्राइवर है जो तो थ्री व्हीलर को 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। वो रोड पे एक बच्चे को खड़ा हुआ देखता है और बच्चे को बचाने के लिए अपने व्हीकल को 4 सेकेंड में रेस्ट पे लेके आता है। तो आपको बताना है कि व्हीकल पे एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना है। हमें यहाँ पे थ्री व्हीलर का और ड्राइवर का मास दे रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास टोटल मास है जो कि मास ऑफ द ड्राइवर प्लस मास ऑफ द थ्री व्हीलर है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पावर पर आवर में, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है और टाइम हमें 4 सेकंड दे रखा है। तो अगर मैं मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है तो मैं वी यू और टी की वैल्यू डाल के एक्सेलरेशन निकालूंगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन मोशन के उल्टे डायरेक्शन में। और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। फोर्स का आंसर भी नेगेटिव है जो हमें ये बता रहा है कि फोर्स भी मोशन के उल्टे डायरेक्शन में। तो आइए हम एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि बैट्समैन एक बॉल को 45 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट करता है उसकी स्पीड को चेंज करे हुए बिना, और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा करने में बॉल पे कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ है यह हमें निकालना है। और बॉल का मास हमें दे रखा है 0.15 kg। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें 5 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन सिचुएशन का फिगर बनाते हैं हम। यहाँ पे आप RS को बैट समझ सकते हो। यहाँ पे बैट्समैन के बैट को RS से शो किया हुआ है। ये वो वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। बॉल टकराने के बाद OB वेक्टर के अलोंग जाती है और एंगल हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर एंगल 45 है तो आधा एंगल 22.5 डिग्री होगा, जो कि एंगल जो कि लाइन AO और OP के बीच में, या फिर OP और OB के बीच में। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। मैं मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करता हूं? क्योंकि बाकी सारा डेटा मुझे SI यूनिट में दिया हुआ है और मुझे पता है कि SI सिस्टम में स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ना कि किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं x के इनिशियल मोमेंटम को लिखूं तो ये हो जाएगा MU cos थीटा, और x के फाइनल मोमेंटम को लिखूं तो -MU cos थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टकराने के बाद बॉल एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, इसलिए बॉल का एक्स में फाइनल मोमेंटम नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली बॉल का वाई में इनिशियल मोमेंटम -MU sin थीटा है। बॉल का वाई में फाइनल मोमेंटम -MU sin थीटा ही है। तो बॉल को आप देख सकते हो कि टकराने से पहले और टकराने के बाद भी दोनों केसेस में बॉल वाई डायरेक्शन में नेगेटिव में ही ट्रैवल कर रही थी, इसलिए वाई कंपोनेंट के मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों ही नेगेटिव हैं। तो चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में होगा -2MU cos थीटा और चेंज इन मोमेंटम वाई डायरेक्शन में होगा 0। और हमें पता है कि इम्पल्स इम्पार्टेड जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो वैल्यूज डालने पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस टॉपिक में हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं। तो हमारा पहला सब टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम सीखने से पहले हमें सिस्टम का डेफिनेशन समझना चाहिए। तो सिस्टम का डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कि एक बॉडी का ऐसा पार्ट जिस पार्ट में हम इंटरेस्टेड हैं उसको सिस्टम बोलेंगे। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, अगर मैं लेटस से 15 kg के मास में इंटरेस्टेड हूँ
तो 15 kg मेरा सिस्टम है, अगर मैं 5 kg में इंटरेस्टेड होता तो 5 kg मेरा सिस्टम होता। तो चलिए हम देखते हैं कि एफबीडी बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें कोई भी गिवन सिचुएशन का स्केच बनाना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन हमें दी हुई है, जहां पे कि एक ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अगला स्टेप है कि हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्योंकि मैं मास के मोशन में इंटरेस्टेड हूं या फिर मास में इंटरेस्टेड हूं, तो मास मेरा सिस्टम है। इसके बाद मैं सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई करूंगा और इसके बाद उन फोर्सेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। mg क्योंकि एक यूनिवर्सल फोर्स है वो हमेशा लगेगा, तो उसको मैंने दिखा दिया नीचे की तरफ, और सरफेस ब्लॉक पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो अगर और भी सिस्टम्स में हम इंटरेस्टेड हैं तो उन सिस्टम को हम अलग से बनाएंगे और उनके लिए 3 और 4 स्टेप रिपीट करेंगे। तो चलिए हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक मास 2 स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है और हमें इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम मास हमारा सिस्टम है, तो हम मास को अलग से बनाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाएंगे नीचे की तरफ, और मास 2 रस्सियों से कनेक्टेड है तो दोनों रस्सियां उस पर टेंशन लगाएंगी। टेंशन का नाम हम अलग अलग देंगे, T1 और T2। तो चलिए अब हम अपना अगला सब टॉपिक देखते हैं, जो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो लेट अस से कि एक पार्टिकल है जिसपे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और F3, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं वेक्टर F1, F2 और F3 को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, i, j और k के फॉर्म में लिखूं, और फिर i वाले टर्म्स एक साथ, j वाले टर्म्स एक साथ और k वाले टर्म्स एक साथ लिखूं, तो मुझे पता चलेगा कि फोर्सेस के x कंपोनेंट का समेशन 0 होता है, और सिमिलरली फोर्सेस के y कंपोनेंट्स और z कंपोनेंट्स का समेशन भी 0 होता है। इसका मतलब है कि कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में, तो उस पर एक्स वाई और जेड तीनों ही डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस है, या फिर तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0 के बराबर है। इनफैक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल पे हर एक डायरेक्शन में ही फोर्स बैलेंस है। तो किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्सेस का समेशन करेंगे तो आपको 0 मिलना चाहिए। चलिए हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक एक रोप से हैंग कर रहा है और ये रोप 2 अन्य रोपों से अटैच है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि रोप और नॉट मासलेस है और एंगल बिटवीन सीलिंग और एक रोप 60 डिग्री है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हर एक रोप में कितना टेंशन होगा ये पता करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम नॉट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नॉट को हमने ओ से दर्शाया है, तो नॉट पे 3 टेंशन लग रहे हैं, T1, T2 और T3। इसका मतलब है कि कम से कम 3 इक्वेशन तो बनाने पड़ेंगे हमें इस सवाल में। तो क्योंकि मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होगा और वाई डायरेक्शन में भी समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होगा, तो मैं अपने सारे फोर्सेस को एक्स और वाई के डायरेक्शन के अलॉन्ग ब्रेक कर लेता हूं। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस के समेशन को 0 करूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, और अगर मैं वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस को 0 करूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। तो अभी तक मेरे को 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं और मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, T1, T2 और T3। तो मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा। तो उस इक्वेशन को बनाने के लिए मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है डब्ल्यू नीचे और ब्लॉक पे लग रहा है T3 ऊपर। तो फिर वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को 0 करने पे मुझे T3 = W मिल जाएगा। इनफैक्ट T1 और T2 की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम अपना अगला सब टॉपिक देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो कंजर्वेशन और मोमेंटम को समझने के लिए मैं एक सिचुएशन लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पास दो बॉल्स हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आगे वाली बॉल पीछे वाली बॉल से स्लो चल रही है, इसका मतलब है कि आगे जाके ये बॉल्स कोलाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने अज्यूम करा है कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब इन दो बॉल्स का आपस में ही इंटरेक्शन होगा और कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों बॉल्स को सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अभी तक हमने सिस्टम में एक ही बॉडी ली थी, मगर यहाँ पे हम सिस्टम में पहली बार दो बॉडी ले रहे हैं। हम सिस्टम में इनफैक्ट तीन या चार बॉडीज भी ले सकते हैं। तो कुछ समय बाद बॉल्स कोलाइड करेंगी। कोलिजन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए होगा और दोनों बॉल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, जो कि आप इन एरोस से देख सकते हो। तो कोलिजन के बाद बॉल्स की वेलोसिटी हम VA और VB मान लेते हैं। तो अब हमें सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। तो क्योंकि सिस्टम में दोनों बॉल्स हैं तो दोनों बॉल्स का मोमेंटम हमें लिखना होगा। तो A का मोमेंटम है MA into UA और B का मोमेंटम है MB into UB। सिमिलरली हम फाइनल मोमेंटम भी लिखते हैं सिस्टम का। तो A का फाइनल मोमेंटम होगा MA into VA और B का फाइनल मोमेंटम होगा MB into VB। अब मैं दोनों के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखता हूं। तो मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, और हमने यहाँ पे कोलिजन के बीच के टाइम को और हमने यहाँ पे कोलिजन के प्रोसेस के ड्यूरेशन को टी माना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। तो ए के लिए अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखूं तो ये हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होगा मेरा VA माइनस UA, जो कि मेरी फाइनल वेलोसिटी है VA और इनिशियल वेलोसिटी है UA। सिमिलरली मैं बी का मोमेंटम भी लिखूंगा। अब क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर है, तो इस तरीके से मैं FAB और FBA भी लिख सकता हूं। FAB का मतलब है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल ए बाय बी, मतलब बॉल ए पे बॉल बी द्वारा लगाया हुआ फोर्स। सिमिलरली FBA का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी। और हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि FAB और FBA एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और साइन में उल्टे होंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर की डायरेक्शंस एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, और वैल्यूज डालने पे मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि है MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। तो अगर आप ध्यान दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम लिखा है सिस्टम का। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहा। तो हम कंजर्वेशन मोमेंटम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, जिसको मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ PI वेक्टर इज इक्वल टू PF वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को वेक्टोरियली लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास 100 ग्राम और 200 ग्राम है, ये सेम लाइन पे चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और इनकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद ये कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है दूसरे बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं यहां पे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों के फिगर्स बनाऊंगा, और इसके बाद मुझे पता है कि दोनों ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ए और बी में जो आपस में फोर्स लगेगा वो इंटरनल होगा, लेकिन इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा मेरा
बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम प्लस बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम, सिमिलरली फाइनल मोमेंटम मेरा होगा बॉल ए का फाइनल मोमेंटम प्लस बॉल बी का फाइनल मोमेंटम। मुझे सारी वैल्यूज पता है तो मुझे वीबी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि एक 5 ग्राम की बुलेट को एक 5 केजी के गन से शूट करा जाता है और बुलेट की मजल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड दी हुई है। मजल वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बुलेट गन को छोड़ता है। तो यहां पे मुझे गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं एक गन से बुलेट को शूट करता हूं तो गन पीछे की ओर जाती है, तो आपको गन की यही वेलोसिटी पता करनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों केसेस के फिगर बनाऊंगा और मेरे को पता है कि बुलेट प्लस गन को अगर मैं सिस्टम मानूं तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बुलेट और गन के बीच का जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स होगा। तो मैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर सकता हूं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख के सारी वैल्यूज डालते ही मुझे वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख के और सारी वैल्यूज डाल के मुझे वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाता है जो कि मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पे नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के विपरीत डायरेक्शन में होगी। आपको यहां पे डाउट आ सकता है कि हाथ का गन पे जो फोर्स है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना गलत है? तो आपका डाउट सही है, हाथ का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फायरिंग का टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही छोटा है। तो फायरिंग के टाइम ड्यूरेशन के छोटे होने की वजह से जो हाथ पे चेंज इन मोमेंटम होगा वो नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होता है F into dt और यहाँ पे dt ना के बराबर है। तो मैं हाथ पे लगने वाले फोर्स को इग्नोर कर सकता हूं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर ट्राई करें। चलिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है दोनों मासेस और पुली का, और हमें यहां पे दे रखा है कि रोप मासलेस है और पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो हमारी रियल दुनिया में मासलेस रोप नहीं होती और फ्रिक्शनलेस कुछ भी नहीं होता। मासलेस और फ्रिक्शनलेस एक आइडियल कंसेप्ट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्योंकि हमें दोनों मास और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इसके लेफ्ट में रस्सी पे टेंशन लगाएगी T1, हम आगे समझेंगे कि इस टेंशन को हमने T1 क्यों बोला और T क्यों नहीं बोला। यहाँ पे हमने टेंशन को T इसलिए नहीं बोला क्योंकि दोनों मास और पुली पे टेंशन लग रहे हैं और हमें नहीं पता है कि सारे टेंशन बराबर है, तो इसलिए हमको अलग अलग नाम देना पड़ेगा टेंशन को। तो पुली जिस रॉड की मदद से कनेक्टेड है वो रॉड उस पर एक फोर्स लगा रही है जिसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं और जिसको हम हिंज फोर्स बोलते हैं। तो हिंज फोर्स वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो हिंज फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के जंक्शन पे लगता है। जैसे यहाँ पे रॉड की मदद से पुली कनेक्टेड है तो रॉड पुली पे एक हिंज फोर्स लगा रही है। आपकी क्लासरूम में आप देख सकते हो कि आपका ब्लैक बोर्ड नेल्स की मदद से वॉल पे अटैच है, तो नेल्स ब्लैक बोर्ड पे हिंज फोर्स लगा रही है। तो ये हमारा हिंज फोर्स होता है। इसके बाद हम तीसरे मास का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो इस मास पे सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, mg और टेंशन T4। इस पे कोई नॉर्मल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रिंग और पुली आइडियल होंगी तो स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे टेंशन को T1 से डिनोट करा है, लेकिन हम शुरुआत में ऐसा नहीं करेंगे। शुरुआत में हम सारे टेंशन को अलग अलग मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि सारे टेंशन सेम है। इसका मतलब है कि जब तक आप ये फाइंड ना कर लें कि सारे टेंशन बराबर होंगे, आप सारे टेंशन को सेम नाम नहीं दे सकते। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि दो ब्लॉक जिनका मास बराबर है, ये एक लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो लाइट स्ट्रिंग से हम मान सकते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि स्ट्रिंग खिंच नहीं सकती। तो यहाँ पे दो में से एक ब्लॉक को खींचा जाता है कॉन्स्टेंट फोर्स एफ द्वारा। जो फोर्स एफ का डायरेक्शन है वो रोप के अलॉन्ग है, इसका मतलब रोप के लेंथ के अलॉन्ग ही फोर्स का डायरेक्शन है। तो हमें बताना है कि उन दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ए और बी को अलग अलग से देखूंगा। तो पहले मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ए पे राइट में लग रहा है फोर्स एफ, लेफ्ट में लगेगा टेंशन टी, रस्सी उसको लेफ्ट की तरफ खींचेगी, ग्रेविटी हमेशा लगता है नीचे की तरफ एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन को हमने एन ए बोला है यहाँ पे। जैसा कि आपके लिए ऑब्वियस होगा कि ब्लॉक ए राइट में ही चलेगा, तो हमने ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन को राइट में ए मान लिया है। हमें ये पता नहीं है, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू ए मान ली है, हम उसे ए को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बी पे टेंशन लगेगा राइट साइड में, क्योंकि रस्सी उसको राइट साइड में खींच रही होगी, ग्रेविटी लगेगा नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन को हम एक डिफरेंट नाम से बोलेंगे एन बी से। और क्योंकि ए और बी एक ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो रस्सी खींच नहीं सकती, इसका मतलब ए और बी को साथ साथ चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि बी के एक्सेलरेशन को ए के बराबर होना पड़ेगा, तो बी का एक्सेलरेशन भी ए होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं ब्लॉक ए के लिए न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखता हूं, जो कि है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा एफ माइनस टी, जो कि बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन के। सिमिलरली ब्लॉक बी के लिए भी मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखूंगा। तो ब्लॉक बी पे नेट फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स है टी, जो कि बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो सॉल्व करने पर मुझे टी की वैल्यू एफ बाई टू मिल जाएगी। तो हमने सवाल को मैथमेटिकली कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे कि टेंशन का आंसर एफ बाई टू होना चाहिए था, क्योंकि अगर दो ब्लॉक्स को खींचने के लिए फोर्स एफ लग रहा है, तो एक ब्लॉक को खींचने के लिए फोर्स कितना लगेगा? फोर्स आधा लगना चाहिए एफ बाई टू। बी को कौन खींच रहा है? बी को खींच रही है ए और बी के बीच की रोप। तो टेंशन रोप में कितना होना चाहिए? रोप में टेंशन होना चाहिए एफ बाय टू। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि दो मासेस, एक 8 केजी का और एक 12 केजी का, एक लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। लाइट से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि रस्सी खींच नहीं सकती। ये रोप एक पुली के ऊपर जाती है और पुली भी फ्रिक्शनलेस है। तो हमें बताना है मासेस का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन जब इन मासेस को हम छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे हम दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को अज्यूम कर लेते हैं। हमें पता है कि 12 केजी वाला ब्लॉक भारी है, तो 12 केजी वाला नीचे जाएगा और 8 केजी वाला ऊपर जाएगा। 12 केजी वाले के एक्सेलरेशन को मैंने A1 माना और 8 केजी वाले के एक्सेलरेशन को मैंने A2 माना। अब मैंने 12 केजी और 8 केजी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। दोनों पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और एक टेंशन टी ऊपर की तरफ। तो क्योंकि हमें पता है कि ए और बी एक ऐसी रस्सी से कनेक्टेड है जो खींच नहीं सकती है, इसका मतलब ए और बी का हर समय बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्योंकि बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ए और बी की हर समय बराबर वेलोसिटी होगी, और इसीलिए ए और बी का बराबर एक्सेलरेशन भी होगा। तो पहले मैं 8 केजी वाले के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखता हूं। तो नेट फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में हो जाएगा टी माइनस एम जी, एम जी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 8g, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो मास की वैल्यू 8 डालने पर मुझे इक्वेशन 1 मिल जाएगी। सिमिलरली मैं 12 केजी वाले के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखूंगा, जो कि होगा एफ नेट नीचे वाली डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे वाली डायरेक्शन में। तो नीचे वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे वाली डायरेक्शन में। मास की वैल्यू 12 डालने पे मुझे इक्वेशन 2 मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो आंसर आ जाना चाहिए। तो सॉल्व करने पर मेरे पास आंसर ये आ जाएगा।